आप लोग कहाँ से आया था? हम लोग नाहरलगुन से। क्या एयरपोर्ट को देखने के लिए आया था? हाँ, एयरपोर्ट को देखने। लेकिन अंदर तो घुसने नहीं था। आप लोग कैसा लग रहा है अभी वो फ्लाइट जाने का? गाइस अभी हम लोग आपको लोग को ले चलता हूँ, आज संडे भी है, आज संडे ब्लॉग के थ्रू आप लोग को एयरपोर्ट की तरफ ले जाऊँगा। तो कुछ भी आप लोग को देखने को मिलता है वो आपको दिखा भी जाऊँगा, देखते जाएगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो ईटानगर के बीचों बीच एकदम कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर के पास में हमारे पास टाइम देख रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं। वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना भूले और बेल आइकन के साथ साथ दबा लीजिएगा। ये ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अभी निकल रहा हूँ। अभी थोड़ा उधर तक काफ़ी दूर है इसलिए फ्यूलिंग कर लेता हूँ। ये आगे हमारा पार्टनर जा रहा है साथ में, ईटानगर का एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को। और आजकल पेट्रोल का भी बहुत दाम बढ़ते जा रहा है। हाँ, आपका पर लीटर 93.29 रुपए हो चुका है ईटानगर का। तो आप लोग देखते रहिए कितना महंगा है। आजकल ब्लॉगिंग करना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पैसा एक रुपए नहीं आ रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए हम लोग तेल फूकना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये आपका ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल राजधानी। तो आप लोग जो कुछ भी आता है तो देखते रहिए। ट्रैफिक आ गया इधर, मार्केट एरिया है, एकदम भीड़ भाड़ एरिया है, यह बिजी एरिया। और यहाँ है आपका मैनेजर स्लैब साइड में आरके मिशन का हॉस्पिटल है। आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग के थ्रू ईटानगर शहर कैसा है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, ईटानगर शहर का रास्ता कैसा है आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए ज़रूर। अभी ये हम लोग सिग्नेट होटल के पास पहुँच गया हूँ। क्या दोस्त उठेगा क्या? जल्दी फ़ोन करो उसको, टाइम बहुत कम है क्योंकि एयरपोर्ट अभी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कैसा लग रहा है? चल पे कीजिए, कमेंट्स कीजिए ईटानगर टाउन को देख के आप लोग को कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूले। तो अब ईटानगर का शहर और ये रास्ता, रोड कंडीशन एंड टाउन को देख के कैसा लग रहा है टाउन, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मौका मिलने पे ज़रूर आप लोग भी ईटानगर विजिट कीजिएगा। ईटानगर काफ़ी सुंदर जगह है, पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, आप लोग विजिट करना तो बनता है दोस्तों। यहाँ सबका गुवाहाटी 327 किलोमीटर आप लोग पीछा होगा ऊपर में, तेजपुर 155 और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक 19 किलोमीटर है, 19 लगभग 30 किलोमीटर है एयरपोर्ट तक, ताकि मैं आप लोग को और बता सकूं, दिखा सकूं अच्छा से ब्लॉग को। तो इसलिए आप लोग का कमेंट्स और सजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये है तो चार, ये स्कूटी चार 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 है, देखो देख सकते हैं इतना मैनेजमेंट करके जा रहे हैं चार हो। तो आप लोग का बीकामान सुपर बाइक चला रहा है। दोस्तों अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जगह में खड़ा हूँ जहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता इस तरफ जाता है। तो आप लोग को दिखाऊंगा, आगे अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को उधर क्या क्या दिखता है, मैं सब कुछ दिखाते चलूँगा। ये है एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर अंदर है। तो आप लोग देखते रहिए, तो आप लोग को आगे चल कर दिखाऊँगा आगे क्या देखने को मिलता है, यहाँ तो हम बता नहीं सकता, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ देखते चलिएगा। चलो लेट्स सी गाइस क्या क्या दिखता है, ले चलता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया सजाया है, अच्छा रास्ता, बहुत लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, एयरपोर्ट को देखने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट टाइम है जहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से जाने वाला है।
और ट्रेवल बाय रूट पर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो जो फर्स्ट व्यूअर्स है सभी लोग लाइक शेयर कीजिए। ये है आप लोग का डोनीपोलो एयरपोर्ट। मैं आज आया हूँ, लेकिन आज भी शायद एंट्री नहीं अंदर ऐसा लग रहा है, लेकिन लोगों का समागम काफ़ी है, बहुत दूर दूर से लोग आया है। आसाम से भी लोग देखने के लिए आए हैं। आसाम के आसपास जहाँ गोहपुर और ईटानगर नाहरलगुन के बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए। आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है काफ़ी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया है ये। चलो देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को आप लोग। काफ़ी दूर दूर से लोग आए देखने के लिए। शायद ही अंदर जाने के अलावा फोटो सेशन के लिए भी काफ़ी लोग आए हैं। आप लोग देखते रहिए। ये अंदर सर जी क्या अलाउ नहीं है क्या अंदर में? अच्छा, क्या होने से अलाउ होता है वैसे? अभी तो अलाउ नहीं है। अभी तक क्या फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ, तब तो होना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक तो अंदर जा, लेकिन रनवे में शायद अलाउ नहीं होता है। बाद में भी अलाउ नहीं होगा, लेकिन अंदर तो घुसने देगा बाद में, है कि नहीं? पहले भी आया था लेकिन आज भी अलाउ नहीं है। सो सॉरी गाइस, आप लोग को दिखाने के लिए आया था एयरपोर्ट तो, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट के बदले यहाँ गेट ही देखने को मिल रहा है। अंदर में टैंकर है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अंदर अभी अलाउड नहीं है जाने के लिए। वेटिंग रूम तक भी जाने के लिए अलाउड नहीं है। आने वाले दिनों में अलाउ करेंगे कुछ दिन बाद। अभी तक सिर्फ इनॉग्रेशन किया है एयरपोर्ट का, लेकिन यहाँ अभी फ्लाइट का सर्विस स्टार्ट नहीं किया है मे भी, इसलिए अब कहाँ से आए थे है? कहाँ से आया है देखने के लिए? और ये बालीजान से। बालीजान से काफी दूर से आया एयरपोर्ट को देखने के लिए ना? लेकिन अंदर तो घुसने नहीं दिया होगा। वही तो। देख के आप लोग को कैसा लग रहा है? देखने से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो ये अंकल जी बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हैं। अभी कुछ लोगों से पूछ, आप लोग कहाँ से आया था? हम लोग नाहरलगुन से। क्या एयरपोर्ट को देखने के लिए आया था? एयरपोर्ट को देखने, लेकिन अंदर तो घुसने नहीं था। आप लोग कैसे लग रहा है? अभी वो फ्लाइट जाने का बाद से हम लोग को घुसने देगा। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट बन गया आप लोग के लिए कितना अच्छा, खुशी की बात है, थोड़ा सा बताइए। एकदम एयरपोर्ट हो गया तो हम लोग अभी आराम से दिल्ली भी जा सकता है, सिंगापुर जा सकता है, जहाँ तक पूरा घूम सकता है अभी। मैडम लोगों ने बताया अभी काफी सुविधा हो गया इनके लिए, क्योंकि पहले गुवाहाटी जाना पड़ता था, अदरवाइज डिब्रूगढ़ से होके जाता था। अभी लोग अपना ईटानगर से फ्लाइट यहीं से आप ईटानगर से गुवाहाटी और आपका सिंगापुर, यहाँ से कहीं दिल्ली भी जा सकेंगे, कहीं चेन्नई। तो आप लोग देखते रहिए। आप लोग कहाँ से आया था? आसाम पासीघाट से। इतना दूर से सिर्फ एयरपोर्ट को देखने के लिए? ये वेलकम गेट है। वेलकम गेट को देखने के लिए? अच्छा, कैसा लग रहा है वेलकम गेट को देख के? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, जो बंदू से जो आया गया है बहुत बढ़िया है। दर्शकों, मेरे सबसे ये बढ़िया की बात है, ये जो गेट बनाया गया है वेलकम गेट बनाया गया है, बेम्बू से बनाया गया है। ये डिजाइनिंग काफी क्रिएटिव माइंड लगाया है इस डिजाइन को बनाने के लिए। आर्किटेक्ट का नाम है, आप लोग सभी लोग फेसबुक के थ्रू सुना होगा, आरोती पान्यांग। ये आदि ट्राइब से बिलोंग करता है। कभी दिन दिखाऊंगा अच्छा से अंदर जाके, अभी तो जाने के लिए अलाउ नहीं है। सो सॉरी गाइस, आप लोग को फिर से मैं निराश किया हूँ। फिर भी कोई नहीं, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।